माँ को बुलाओ। 5 रुपए लूंगा देंगे, शुरू हो जाओ। अच्छा गेंद गिरा है, हांडी उबल जाएगी। चंदा, अरे ओ चंदा, देखो किसी का गेंद गिरा है, वो मांग रहा है, दे दो। हरगिज़ ना देना, यूं ही चिल्लाने दो। चंदा, क्या सुना नहीं? ये आई, लाओ दीदी, गेंद दे दो, कहीं पिताजी आ गए तो आफत कर देंगे। कोई है? गेंद दे कीजिएगा, ये गेंद आपके घर से जाना नहीं चाहता। जी,
बदमाश की ऐसी टांग तोड़ूंगा। हाँ समझी, आज पहली तारीख है, पेंशन वसूल की होगी। अब चंदा के लिए कोई ना कोई चीज तो जरूर लाए होंगे। चंदा के खाने पीने का तो आपको बड़ा ध्यान है, मगर कुछ ये भी फिकर है कि अपनी इकलौती बेटी की शादी भी करनी है। पिताजी, क्या लाए पिताजी, क्या लाए? और आमों की घेरी। कहाँ चली? यहाँ बैठ कर खाओ मेरे सामने। मैं कैसे खाऊं? आज हमारे घर में महल्ले भर की लड़कियाँ जमा है। गुड़िया बुड्ढे की शादी थी। गुड़िया बुड्ढे की शादी? हाँ। अभी तक तेरा ध्यान खेल कूद से नहीं हटता चंदा की माँ? नहीं। अच्छा अब आप अपनी तस्वीर लोगों बढ़ाई। चलिए चलिए चलिए। ए सुनती हो, आज मुझे रास्ते में जमुना मिली थी, वही जमुना जो शादियां करवाती है। उसने हमारी चंदा के लिए बहुत अच्छा लड़का देखा है, बल्कि आज उसने लड़के वालों के यहाँ जाने का वादा भी किया है। जमुना जी, ओ जमुना जी, ये दूरी सवारी हमसे न जाइबे। क्या दीवाने हो गए हो? लो देखो, अकेली तो बैठी हूँ। दादा रे दादा, उठाओ लल्लू, न जाने आज किसकी शक्ल देखी है। जमुना जी, कौन सी चक्की का पीछा आटा खावत हो? पूछते हो मुर्दो, एक वक्त तो खाना खाती हूँ। उस पर ये हाल है तो भगवान भली करे। वकील साहब, अजी वकील साहब। नमस्ते वकील साहब। सूरज आओ बेटा। जाओ बेटा जाओ। क्यों जमुना, है पसंद? अजी वकील साहब। हाँ जमुना, जैसा हमारा भोला भाला लड़का है वैसे ही कोई खानदानी अमीर खूबसूरत लड़की बताओ। एक लड़की मेरे ध्यान में है, लेकिन बड़े मुंह है वकील साहब उन लोगों के, और होना भी चाहिए। बड़ा खानदान, बड़ा नाम, पेंशन, इज्जत, शान, मकान, सब कुछ तो भगवान ने दिया है। अपने ही शहर में है? जी हाँ, शायद आप जानते ही होंगे, रिसालदार साहब के बेटे ठाकुर साहब मशहूर हैं। हाँ हाँ हाँ, ठाकुरगंज में रहते हैं, वो तो बादशाही पेंशन भी पाते हैं। क्या उन्हीं की लड़की है?
हाँ वकील साहब, लड़की का नाम है चंदा, नाम ही नहीं असली चांद है वकील साहब। ये उसी की चेहरे की परछाई है जो आसमान का चांद बन गई है। नाम भी खूब है, दुल्हन का नाम चंदा और दूल्हा का नाम सूरज, क्या खूब जोड़ी होगी। और दान दहेज? भला राजा के घर मोतियों का क्या? ऐ वकील साहब, हाथी लाख भी लड़ जाएगा तब भी 1,25,000 का जरूर रहेगा। ठाकुर साहब बड़ी आन बान के आदमी है, क्या कुछ न देंगे अपनी बेटी को? सच कहती हो जमना, अब तुम किसी तरह उन्हें राजी कर दो। मेरे ख्याल में दान दहेज के साथ नकद रुपया भी खूब मिलेगा। फिर वही बात वकील साहब, एक ही तो बेटी है, वो किसके लिए बचा के रखेंगे? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं कुछ बेवकूफ नहीं हूँ, 20 बरस के सिम से वकालत कर रहा हूँ, कुछ खास नहीं खोल रहा हूँ। अच्छा तो फिर आऊंगी। सूरज इधर आ। क्यों है पसंद? दीदी लड़का भी आपका और लड़की भी आपकी, आपको पूछने की क्या जरूरत? जब जी चाहे लीला का हाथ पकड़िए, तुम मेरी मुंह बोली बहन हो, मगर तुम्हारी राय लेना बहुत जरूरी है। शायद तुम्हें मेरा लड़का नापसंद हो। सूरज जैसा नेक दामाद तो भगवान सबको दे, अलबत्ता बहनोई जी से पूछ लीजिए, वो ठहरे वकील साहब, शायद किसी जज या बैलिस्टर की लड़की से शादी करे। मैं अभी जाकर उनसे पूछती हूँ। सुनते हो? सुनती हो, अभी जब ना आई थी अपने सूरज के लिए उसने ऐसी लड़की ठहराई है कि भाई वाह 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 वाह। जब पड़ोस में देखी भाली समझी बूझी लड़की मौजूद है तो दूर क्यों जाए? सूरज की माँ, ऐसी लड़की मिलना मुश्किल है, इतना दान दहेज और रुपया मिलेगा कि आपका घर भर जाएगा। हमें किस चीज की कमी है? लड़की की सूरत, आहा, परी है परी। बहू को नुमाइश में भेजोगे? मेरे तो सिर्फ एक ही बेटा है, कुछ दो चार नहीं, जहाँ तक हो सकेगा अच्छे से अच्छी जगह शादी करूँगा। तो फिर मुझसे क्यों पूछते हो, कर क्यों नहीं लेते? बेटे के हकदार तुम, मैं कौन? अब मुझे भी देखना है कि कौन सी 56 करोड़ की चौथाई दहेज में मिलती। देख लीजिएगा, ये घर आपका दहेज के लिए छोटा पड़ेगा। तो फिर करते क्यों नहीं, जाने मेरी बला। सुनिए तो। सुनते सुनते तो बढ़िया हो गई। क्या खैर तो है वकील साहब? अमां जिस घर में बीवी हो वहां खैरियत कैसी? चीफ कोर्ट में बहस करना और बीवी को राजी करना दोनों बराबर है। जज साहिबान तो कभी कभी मान भी लेते हैं, मगर जो रुकी अदालत में मुकदमा हमेशा खारिजी हुआ करता है। ओ डॉक्टर साहब आप आ गए, आज ब्लड प्रेशर देखने का दिन है ना? हाँ डॉक्टर साहब। कहिए कैसी रही तबीयत? यूं ही कुछ कमजोरी सी मालूम होती है। क्या प्रेशर है डॉक्टर साहब? कुछ थोड़ा ठीक है। आप कचहरी का काम जरा कम कर दीजिए। काम तो बहुत कम कर दिया है डॉक्टर साहब, मगर एक खून का मुकदमा ले चुका हूँ, उसे तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो एक बेगुनाह फांसी पा जाएगा। आजा
जाने का हो गया जा, आजा ख्यालों में आजा, फिर एक झलक दिखा जाओ, फिर एक झलक दिखा जाओ, आजा आजाने का हो गया जा। सूरज बन जा मेरी सुबह का, सूरज बन जा मेरी रात की सज धज बन जा, मेरी रात की सज धज बन जा, प्रेम की नगरी बसा जा, नहीं प्रेम की नगरी बसा जा, आजा आजाने का हो में आजा। किस्मत का तो सितारा हो जा, किस्मत का तो सितारा हो जा, बिजली का शरारा हो जा, बिजली का शरारा हो जा, रग रग में आग लगा जा तू, रग रग में आग लगा जा, आजा आजाने का हो में आजा। मेरे दिल की धड़कन बन जाओ, बन जाओ मेरे दिल की धड़कन बन जा, मेरे दर्द की उलझन बन जा, मेरे दर्द की उलझन बन जा, सांसें बन के समा जा तू, सांसें बन के समा जा, आजा आजाने का हो में आजा, आजा ख्यालों में आजा। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, मिजाज तो अच्छे हैं। आपकी दुआ है, जी रहा हूं। वकील साहब, दुनिया के रस्म रिवाज के मुताबिक आपकी सेवा में एक दासी भेंट देना चाहता हूं, उम्मीद है आप स्वीकार करेंगे। ठाकुर साहब, ये आप क्या फरमाते हैं, दासी नहीं, आपकी लड़की तो हमारी बेटी से बढ़कर है, बहू हमारे घर का उजाला होगी, हमारे खानदान का नाम रोशन करेगी, बल्कि यूं कहिए कि हमारे घर में लक्ष्मी आएगी। वकील साहब, मैं कर्ज करना चाहता हूं, आप इस गलतफहमी में न रहिएगा, आपकी होने वाली बहू किसी राजा या करोड़पति की बेटी नहीं है, एक गरीब सिपाही की लड़की, उस खानदान का चिराग है जिसने शाह अवध की फौज और रिसालों पर हुकूमत की है, जिसके बाप दादा ने सदा तलवार की रोटी खाई है, वो मैके से हीरे और मोतियों का दान दहेज लेकर नहीं आएगी, सिर्फ खानदानी इज्जत, धर्म और सुगड़ापा लेकर आएगी। वजह है ठाकुर साहब, आपको और आपके खानदान को कौन नहीं जानता है, मुझे कुछ पूछना गछना नहीं,
जिसने बेटी दे दी वो बचाकर क्या रखेगा? ठाकुर साहब वो मकान? जी हाँ, मेरा है। हालांकि काल की चक्की ने हमें पीस डाला है, मगर बुजुर्गों की निशानी अभी तक बाकी। क्यों नहीं, क्यों नहीं, आप ही चंद आदमी तो शहर की नाक है। यही है मेरा बेटा सूरज। अच्छा, अच्छा ठाकुर साहब मुहूर्त दिखलाइए, मैं तैयार हूं। और जो कुछ पूछना और तय करना चाहते हो अभी कर लीजिए। मैं सफाई को बहुत पसंद करता हूं, इसीलिए जरा बदमिजाज मशहूर। ठाकुर साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं भी तो यहीं का रहने वाला हूं, 20 बरस के सिन से वकालत कर रहा हूं। कुछ आपने तो पान भी नहीं खाए। समझी साहब, जलपान की सेवा करना तो अब हमारा फर्ज हो गया। हाँ जमुना, ठाकुर साहब ने दान दहेज और रुपए का कुछ जिक्र नहीं किया। ए वकील साहब, आप अपना दिल छोटा ना कीजिएगा, हर लड़की का बाप यही कहता है, और क्या कुछ दान दहेज में नहीं देता। बेशक बेशक, ठीक है, इसी वजह से मैंने खुले तौर पर दान दहेज की बात ही नहीं की, क्योंकि आदमी को पहचान कर बातचीत करना भी तो हमारा पेशा है। 20 बरस के सिन से वकालत कर रहा हूँ, कुछ घास नहीं खोद रहा हूँ, उनसे कह देना कि शादी की तैयारी करें। नमस्ते।
क्या क्या आया है? ओह, कितना कीमती सामान। हे भगवान, तुम ही हम गरीबों की लाज रखना। क्या है झंडा की माँ? ठाकुर साहब, आप तो हाथियों से गन्ने खा रहे हैं, हाथियों से। झंडा की माँ, भगवान पर भरोसा रखो। अगर उनके पास ताकत है तो हमारे पास खानदान और इज्जत है। चलिए महाराज, आ गई राजा के रस्म के लिए ठहर गई है। हाँ चलूंगा। मारती थी, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा इतना सा दहेज ले जाकर सूरज की मां को? हर गिर पाई यही है दहेज, उठाइए थे। वकील साहब, मैंने आपसे साफ कह दिया कि मैं गरीब सैकड़ों का दहेज न दे सकूंगा। कोई शरीफ अपने मुंह से बड़े बोल नहीं बोलता, फिर भी जितना ज्यादा हो सकता है उतना अपने बेटे को दहेज देता है। मुझे गरीब से भी जो कुछ हो सका भेंट कर रहा हूं। क्या बरात के सामने मुझे बेइज्जत करना चाहते हैं आप? वकील साहब, ये मुसीबत तो हिंदुस्तान के हर घर में है। बहुत से माँ बाप इसी हसरत में मर गए और गरीबी की वजह से अपनी बेटी की शादी न कर सके। डॉक्टर साहब, ऐसे ऐसे लेक्चर तो मैं रोज कचहरी में दिया करता हूँ, मुझे चलाने की कोशिश न कीजिए। सुबह से शाम तक यही काम करता हूँ। बिठाइए अपनी लड़की को घर में, बारात वापस जाएगी। बारात वापस जाएगी। लालजी साहब से जरूर एक बाप अपने दिल का टुकड़ा रस्म निवाज की दो बोलों पर यकीन करके तुम्हें सौंप रहा है। एक बाप अपने घर की रोशनी बुझाकर तुम्हारे घर में उजाला कर रहा है और तुम्हारा पेट नहीं भरता। जाओ जाओ, बारात वापस ले जाओ। चंदा, घबराओ नहीं, मत भरोसा रखो। ना रो बेटी, ना रो। चंदा रो रही है, तुमसे जाकर कह दो मर जाओ। डॉक्टर साहब, अगर मुझे ये मालूम होता कि लड़की की दवानी माँ बाप की बेइज्जती बन कर आएगी तो पैदा होते ही चंदा का गला घोट जाता। डॉक्टर साहब, ये गुस्से का उत्तर है। हे परमात्मा, मैं आजाद रखना मगर किसी गरीब को लड़की का बाप न बनाना। आप क्या कह रहे हैं, लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। चलिए वकील साहब को समझाएं। ये निमो मेरे ऊपर थप्पड़ मारे और मैं कदमों पर टोपी रखा, ये तो आदमी नहीं हो सकता। वकील साहब, कुत्ता इंसान को काट खाता है मगर इंसान कुत्ते को नहीं काटता। बेटी वाले को हर तरह दबना ही पड़ता है। मैं जाकर तुमको समझाता हूँ। जो होना था सो हो चुका। आप जाइए और दूल्हा की माँ को मेरी तरह से समझे। अच्छा साहब, जाता हूँ मगर मैं उनका मिजाज अच्छी तरह जानता हूँ, वो कभी राजी ना होंगी। किस मुँह से आए हो मेरे पास? देख लिया दहेज,
क्या नाक कटवाई है, क्या खूब शान निभाई है। और वो नकद रुपया कहाँ है, क्या उधरी से बैंक में रखा है। आप तो 20 बरस के सिंह से वकालत कर रहे हैं, कुछ घास नहीं खोद रहे हैं। नहीं सूरज की माँ, अब तो मैं घास ही खोद रहा हूँ। बेवकूफ हूँ, गधा हूँ, और जो जी मैं आए कह दो, मगर ये बताओ कि अब क्या किया जाए। क्या किया जाए, बारात वापस ले आओ। एक भिखारन को मैं अपनी बहू नहीं बना सकती। बारात वापस जाएगी, डॉक्टर साहब मैं मजबूर हूँ, बारात वापस जाएगी। बेशक बारात वापस जाएगी, लेकिन दुल्हा अपनी दुल्हन को भी साथ ले जाएगा। सूरज पिताजी, शादी गुड़िया गुड्डे का ब्याह नहीं, जानवरों का गठबंधन नहीं, दो शरीफ इंसानों का अहद है जो सांस टूटने के बाद ही टूटता है। सूरज, हम तुम्हारे पिता हैं। बेशक आप मेरे पिता हैं, शादी करना आपका फर्ज था और उसे निभाना मेरा फर्ज है। चलो जमना मेरे साथ, ठाकुर साहब कहाँ हैं। जाइए ठाकुर साहब, दुल्हन को जल्दी से मिला कीजिए। जाइए, खुश हो, आबाद रहो बेटी। वही लड़की खानदान का नाम रोशन करती है, सुहाग की चुड़िया पहले हुए दुनिया से उठ जाती है। ईश्वर के लिए आप शकुंतला बोलिए। ठाकुर साहब, माताजी, आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो, दूधो नहाओ, पूतो भलो बेटा। हम गरीबों के पास देने को तो कुछ नहीं, अलबत्ता ये लड़की है जिसका हाथ आसमान पर भगवान और जमीन पर तुम्हारे हाथ में देती हूँ। माता जी, आप इत्मीनान रखिए, शरीफ जिसका हाथ पकड़ते हैं उसे जिंदगी भर नहीं छोड़ते। झगड़ा मचा बनी को ले आया, हरियाला बना ले आया, हरियाला बना। और मेरे लिए क्या हुक्म है? आग लगे तेरे हुक्म को, चली जा अभी, निकल जा मेरे घर से। क्या दुल्हन में कोई फी है? फी नहीं, इट्टी है। तू तो कहती थी ये मिलेगा वो मिलेगा, वो सब कहाँ चला गया? चल निकल यहाँ से, चल चल यहाँ से। देखिए तो जी हाँ, बेचारे बादल किसी को ढूंढ रहे हैं। ढूंढने वाला ही तो पाता है, जैसे मैं तुम्हें पा गया है। ये हाथ में क्या हुआ, जल कैसे गया?
ये तो मैं पूछना ही भूल गई। अभी पूछा तो मेहरबानी की। ये कॉलेज के लड़के बड़े शरीर होते हैं। ऐसा गेंद फेंका कि खोलती हुई कढ़ाई में गिर पड़ा। मैंने और दीदी ने वो कोसने दिए। मगर हसीनों के कोसने तो दुआएं बन जाते हैं, लेकिन जितने कॉलेज के लड़के शरीर होते हैं उतने ही लड़कियां भी शरीर होती हैं। एक दिन मेरा फुटबॉल एक लड़की के घर में गिर पड़ा। मैं मांगने गया तो वो छम 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 करती हुई आई। गेंद तो दे गई लेकिन दिल ले गई। हटी भी क्या आप थे? क्या तुम थी? तुम मेरे पास से जाना क्यों चाहती हो? इसलिए कहीं प्रेम की आग में जलकर राख न हो जाऊं। अच्छा जी। महीना शादी को हो गया। काला पानी या फांसी की सजा। आग लगे तुम्हारी कानूनी बातों को। मैं तुमसे कह रही हूँ, लो बहु वाले होते ही बहरे भी हो गए। अच्छा बहु का परछावा पड़ा। अजी वकील साहब कहिए कहिए,
आपने तो नाक में दम कर दिया। मैं कह रही हूँ आज पूरा एक महीना शादी को हो गया। हाँ भाई हो गया। भला लड़के ने भूल के भी कॉलेज की तरफ देखा? बस 24 घंटे वो और दुल्हन, कोठे का दरवाजा बंद। आज सुनते हो कहीं बहू ने मेरे बच्चे पे जादू तो नहीं कर दिया? जादू तो नहीं, बहू पर तुम्हारा परछावा पड़ा है। मेरा? हाँ तुम्हारा। अब तुम्हें काहे को याद होगा, जब हमारी शादी पहली अप्रैल सन 1920 ईस्वी में हुई थी तो तुमने भी मुझे पहली अप्रैल सन 1921 ईस्वी तक कॉलेज नहीं जाने दिया था। मगर ये तो बहुत बुरा है, लड़के का पढ़ना लिखना सब छूट जाएगा, इम्तिहान भी करीब है, कुछ तो करना चाहिए। कुछ नहीं हो सकता, फौजदारी और दीवानी की सारी किताबें छान डाली, एक एक रूलिंग कीड़े की तरह चाट गया, मगर पति पत्नी में प्रेम ना हो इसके लिए कोई दफा और कोई कानून नहीं निकला। आग लगे तुम्हारे कानूनी दफाओं को। बस बस अब सो रही है, मुझे परेशान न कीजिए। आपको मालूम है कल खून का मुकदमा है, मुझे उसके लिए बहस तैयार करना है। आप शायर भी मालूम होते हैं, तो शायर साहब क्या फरमाते हैं? कागज की ना ओ कब तक चलेगी, ओहो साधु महाराज बन गए। दो दिन बहार फूल तो दिखला के रह गए, फूल होते ही हैं बेवफा वह जी मेरे अलल टप्पू शायर। वाह दस बज चुके और अभी तक दोनों ऊपर हैं। रहने दीजिए साहब, आपको बुढ़ापे में क्यों रश्क होता है? तुमने तो मुझे पागल समझ रखा है, घर में क्या हो रहा है आंख उठाकर भी नहीं देखते। मैं घर को देखूं या कचहरी को? तुमने तो नाक में दम कर दिया है, हर वक्त कुछ ना कुछ झगड़ा। मैं कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं जानता। सूरज, आज ब्लड प्रेशर तो बहुत ज्यादा है, आपको रेस्ट की जरूरत है, आप आराम कीजिए। लेकिन डॉक्टर आज तो मुझे बहस करना है। देखिए वो आ गए। मैं आपको बिल्कुल इजाजत नहीं दे सकता हूँ। सुनिए साहब, वकील साहब की तबीयत यकायक खराब हो गई है, आप इनको आराम करने दीजिए। आपने सुना डॉक्टर साहब ने क्या कहा? वकील साहब, मैं जवान बेटे की फांसी का हुक्म सुनकर खुदकुशी करूं, उससे पहले आप ही मेरा गला घोंट दीजिए। वकील साहब, मैं आपके कदमों पर टोपी रखता हूं, आप ही मेरे बच्चे को छुड़ा सकते हैं। आप सच्चाई की खिदमत करेंगे तो भगवान भी आपका साथ देगा, मुझे भरोसा है कि आप जरूर अच्छे हो जाएंगे। उठिए वकील साहब, देखिए 10:30 बज रहे हैं, मेरे बुढ़ापे पर तरस खाइए। मैं अपनी कानूनी बहस खत्म कर चुका, लेकिन सिर्फ चंद जुमले अपनी बहस पर रोशनी डालने के लिए और कहूंगा। मिलॉर्ड एंड ज्यूरी, आप साहिबान
यहां इस वक्त एक इंसान की मौत और जिंदगी का अहम फैसला करने के लिए बैठे हैं। आपको यह कभी ना भूलना चाहिए कि आपने कलम हाथ में लेने से पहले उससे इंसाफ करने का अहद किया है जिसे कभी ना कभी आपको जरूर जवाब देना पड़ेगा। मिलॉर्ड एंड जेंटलमैन ऑफ द ज्यूरी, मैं पत्थरों की मूर्तियों के सामने नहीं बल्कि हड्डी चमड़े और खून से बने हुए इंसानों के सामने बोल रहा हूं। एक्सक्यूज मी, अगर कोई बदमाश इसी तरह आपकी बहन पर हमला करता तो आप क्या करते? क्या बुजदिलों की तरह आंखें बंद कर लेते? क्या बहन की इज्जत को लुट जाने देते? नहीं, हरगिज नहीं, कभी नहीं। जिस इंसान में एक कतरा भी शराफत के खून का मौजूद होगा वो अपनी मां बहन की बेइज्जती कभी नहीं बर्दाश्त करेगा। उसी तरह मिलॉर्ड, इस मुल्जिम ने इश्तियाल खाकर अपनी बहन की इज्जत को बचाने के लिए गोली चलाई और मकतूल मर गया। गोली चलाने की नीयत कत्ल करने की न थी बल्कि बहन की इज्जत बचाना मकसूद था और वो एक भाई का फर्ज और हक था। एंड यू विल एग्री मी लॉर्ड, दिस इज मॉरली राइट एंड व्हिच इज मॉरली राइट कैन नॉट बी लीगली रॉन्ग। जो अखलाकन जुर्म नहीं है वो कानूनन जुर्म नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, इनको पैरालिसिस का गहरा अटैक हुआ है तो फिर क्या किया जाए? जब दवा से काम नहीं चलता तो दुआ से काम लिया जाता है। अपने माता को खुश रखना, उनका हुक्म मानना पिताजी। बोल ए काले बादल बोल।
आज जन्माष्टमी, रात को व्रत खोला जाएगा। तुमने चंदा के ससुराल की मिठाई उठाई भेजने का इंतजाम किया है? जी हाँ, सब सामान तैयार है, लाडो लिए जा रहे। अच्छा 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 अच्छा, वो बेसनी लड्डू भी भिजवा रहे हैं ना, वो चंदा को बहुत भाते। जी हाँ, जा लाडो जल्दी ले जाओ। माता जी, कुछ दोस्त आए हैं, वो भी यही व्रत खोलेंगे, हम दफ्तर में बैठते हैं। अच्छा, आपके समधन ने ये भेजा है। बहुरानी गिर पड़ी, बहुरानी गिर पड़ी। तो कौन सा आसमान फट पड़ा, जो दौड़ कर चलेगा वही गिरेगा। मैके की औरत देखकर नखरे ना बघारो, कुछ ज्यादा चोट उठने लगी है। पाँव फिसल गया है बिटिया का, पानी भरने की तो आदत नहीं है। हाँ हाँ, कैसे आदत होगी, आए होश की दवा कर, दहेज देखकर सब कच्चा चिट्ठा मालूम हो गया। इनके माँ बाप को ऐसा ही बिटिया का ख्याल था तो दो एक नौकर भेज दिए होते दहेज में। चुकी बिटिया। हाँ लाडो। आज आपकी माता जी ने सब वही पकवान भेजा है जो आपको बहुत भाता है, है? यहाँ पकवान नहीं आया, फिर बर्फ लाहे से खुला। तुलसी के पत्ते से बर्फ खुला, ये अंधेर मुझे लपते तो डक डक कर खाए। और तुम तुलसी के पत्ते से बर्फ खोलो, मैं अभी जाकर पूछती हूँ। हमारे माता पिता हमें बहुत कुछ खिला चुके हैं, अब तो माता जी को देखने को बहुत जी चाहता है। देखो लाडो, घर में जाकर कुछ न कहना, कह देगी तो मेरा क्या बिगाड़ देगी, लाड़ो के सामने टिस्से बहाकर मेरी बुराइयां कर रही है। नहीं नहीं, ये कह रहे थे कि बहुत दिनों से माता जी को नहीं देखा है। जिस दिन से शादी हुई है इनके माँ बाप को बुलाना भी नसीब हुआ, जरा इस महंगी में ढैया भर खिलाना कोई आसान नहीं है। अच्छा, मैं जाती हूँ। जाओ, और जो इस चलतर बाद ने कहा है तुम यूं ही कह देना, हम किसी की धौंस नहीं खाते हैं। बस रोना बंद कर, ज्यादा नखरे बढ़ाने की तो अभी डोरी मंगा कर सड़क पर फिंकवा दूंगी। वाह 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 वाह, आज क्या चुटपुटे चीजें थी, ये आंसू कैसे? हाँ, मिर्चे लग रहे हैं, दाल मोट में मिर्चे जरा तेज थी ना? भाई बेसनी लड्डू जो तुम्हारे घर से आए थे वो तो बहुत ही अच्छे थे,
और कचौरियों की तो तारीफ नहीं हो सकती। और हमारे यहाँ की इमरतियाँ कुछ अच्छी नहीं थी ना? नहीं, वो बड़ी अच्छी थी। और वो गुलाब जामुन कैसी थी? वो तो बहुत अच्छी थी। झूठ, बिल्कुल झूठ। गुलाब जामुन तो थी ही नहीं। तुमने कुछ नहीं खाया, तुम मुझसे छुपा रही हो। बताओ क्या बात है, क्या माताजी ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं भेजा? बोलते क्यों नहीं? ठहरो, मैं अभी लाता हूं। ओहो, अब ये दिन आ गया। माताजी, औरत भी मर्द की जिंदगी का साथी है और मर्द औरत की जिंदगी का साथी है। तू मुझे सिखा रहा है? जब तक मैं जिंदा हूं इस घर में, मेरी मर्जी के खिलाफ एक दिन का भी इधर से उधर नहीं हो सकता। चल निकल यहां से। ससुराल में बिटिया को सांस लेना भी दुभर हो रहा। बिटिया को रोता देखकर सास बोली, ज्यादा नखरे बघारेगी तो अभी डोली बुलवा कर सड़क पे फेंकवा दूंगी। कौन मेरी बच्ची की डोली सड़क पे फेंकवाएगा? कौन मेरी बच्ची की डोली सड़क पे फेंकवाएगा? अभी ठाकुर जिंदा? मैंने लालू की सारी बातें सुनी। क्या नहीं चंदा को लावारा समझ रखा? सुनिए तो, आपको इस कदर गुस्सा करने की क्या जरूरत है? हम अभी लाडो को भेजकर चंदा को बुलवा लेते हैं। जाओ लाडो। ठहरो लाडो, पत्थर का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। दबे पर चोटी भी काट खाती, हम खुद अपनी बेटी को लेने जा रहे हैं। गुरु, ओ गुरु, जाओ कहा मुझे कह दो डोली ले चले। आप चुप रहिए, बस मैंने कह दिया आप चुप रहिए। हम उनसे पूछेंगे, हम देखेंगे वो कौन रुस्तम हिंद है जो हमारी बेटी की डोली सड़क पर फेंकवाते हैं। हाँ, ठाकुर साहब आए हैं। लो दीदी, तुम्हारे समधी साहब आए हैं। बुला ला मिश्रानी, वो कुर्सी यहां रख दे। मैं बैठने नहीं आया हूं समधन साहिबा, आपसे एक बात पूछने आया हूं। पूछिए। वो कौन साहब है जो मेरी लड़की की डोली सड़क पर फेंकवाते हैं? अच्छा, अब समझी, तो आप मुझसे लड़ने आए हैं? लड़ने नहीं आया, पूछने आया कि लाडो ने जो कुछ कहा है वो झूठ है या सच? सच है। मैंने कहा है जो आपसे बनाए बने बना लीजिए। अफसोस है, आप औरत हैं। अगर कोई मर्द होता तो मैं जवाब देता। बड़े आए जवाब देने वाले, रावण के साले। चंदन, अगर अब कोई लफ्ज मेरी शान के खिलाफ जबान से निकला तो अच्छा ना होगा। बड़ी शान? आज तुम्हारी शान और इज्जत तो बिटिया के दहेज से जाहिर हो गई। तन पे नहीं लत्ता और पान खाए अलबत्ता। बस अभी चंदा को सवार कर दो, अब वो तुम्हारे घर में नहीं रहेगी। चंदा ले जाओ, हमें खुद ऐसी मनहूस नागिन का पैरा नहीं चाहिए जिस कमबख्त ने आते ही मेरे सुहाग को डस लिया। जाओ चंदा। लेकिन उन्हें तो कॉलेज से आने दीजिए। वो कौन है? चल निकल हमारे घर से। कर लूँगी। आओ चंदा, डोली में बैठ जाओ, अब इससे ज्यादा बेइज्जती बर्दाश्त ना होगी। अब मेरे लिए सब एक पल में भी खड़ा रहना मुश्किल है। चलो चंदा, मैं बात सड़क पर खड़ा होता हूँ। आओ। पिताजी, जब तक वो ना आए और इजाजत ना दे दे, मैं नहीं जा सकती। कैसे नहीं जाएगी? चल निकल। बाबा को बुलवा कर गालियां खिलवा दी और खुद कुश्ती लड़ने पर आमादा है। आओ तो बहन। नहीं नहीं माताजी, मैं नहीं जाऊंगी। अब तो हरगिज यहां नहीं रह सकती। नहीं, नहीं,
क्या हुआ माता जी, कुछ बताइए तो। तुम्हारी सहेती पत्नी ने अपने बाबा को गालियां देने को बुलवाया था। हाँ बेटा, वो तो आस्तीनी चढ़ाकर अंदर चले आए, लड़ने पर आमादा थे। कहाँ है चंदा? चंदा को गाल लग गया, अपने पिता के साथ काला मुख कर गई। चली गई मुझसे बगैर पूछे चली गई? हाँ, वो तुम्हारा सामना किस मुंह से करती? देखो कह देती हूँ, तुम आज कान खोल कर सुन लो, अगर उसका कदम फिर घर में आया तो समझ लेना मैं कुछ खाकर जान दे दूंगी। बच्ची का ये हाल कर दिया। क्या हमारा भी है? नहीं, मैं खुद ही गिर पड़ी थी। अब देखता हूँ चंदा को ससुराल के लेने कौन आता। अगर चौकस पर नाक भी रगड़ेगी तो नहीं भेजूंगा। चंदा को गए, एक हफ्ता गुजर गया, नहीं एक साल गुजर गया। जो दिल पे गुजरती है दिखा भी नहीं सकते, और चाहे सुनाना तो सुना भी नहीं सकते। मिश्रानी तुम भी थी जब झगड़ा हुआ था? झगड़ा काहे का, कहीं आपकी माता जी ने सुन ले। चुपके चुपके कहो। बहुरानी तो बिल्कुल बेकसूर थी, आपकी माता जी और पड़ोसन ने जबरदस्ती उन्हें घर से निकाला है। हाँ? बहुरानी तो आठ आठ आंसू रोती हुई समर हुई। ले जाओ मिश्रानी, जी नहीं चाहता। भैया कब तक भूखे रहोगे? सच मिश्रानी मेरा जी नहीं चाहता। बिटिया भोजन कर लो। नहीं लाडो। मैं ठाकुर साहब को अभी बुलाता हूँ। लो जिनके लिए बेचैन थी वो आगे, तो मैं क्या करूँ? एक किलो मुँह पर डालो, जरा कंगी वंगी कर लो। हाँ, एक अच्छी सी साड़ी पहनो। नमस्ते मिताजी। नमस्ते। क्या और कुछ गालियां बाकी हैं जो तुम देने आए? क्या और कुछ बेइज्जती बाकी रही है जो तुम्हें भेजा गया है? हम तो गरीब हैं, किसी राजा महाराजा की लड़की से शादी की होती। पिताजी जो कुछ हुआ उस पर खाक डालिए, आप बुजुर्ग हैं। बुजुर्ग की ये मानी है कि गालियां खाए? बुजुर्ग की ये मानी है कि जलील किया जाए? काश तुम्हारी माँ की बजाय वहां कोई मर्द होता तुम्हें टांग टांग कर चीर डालता। चंदा तुम्हारे घर हरगिज नहीं जाएगी। तुम्हारी माँ कहती है चंदा मनहूस है, वो तुम्हारे बाप को खा गई, तो फिर तुम चंदा के घर क्यों आए हो? आप तो जानते ही हैं माता जी का मिजाज। जानता हूं, मगर ये नहीं जानता था कि मेरी नाजों से पाली हुई लड़की को पेट भरने के लिए मुट्ठी भर अनाज भी चैन से न मिलेगा।
प्यास बुझाने के लिए पानी के बदले खून के घूंट पीने पड़ेंगे। पिताजी चले जाओ मेरे यहां से, अब तुम मैं तुम्हारे घर कभी नहीं जा सकती। मैं एक इंसान को भेड़िए के साथ नहीं भेज सकता, कभी नहीं भेज सकता, हर किसी नहीं भेज सकता। भला ये गुस्से का कौन सा महल था, घर पे आए भिखारी को भी नहीं दुत्कारते। वो तो फिर दामाद हमारे सर का ताज है। ताज है आई। पहले वादा करो जो जो बातें होंगी बैनोई जी के साथ हमें बताओगी ना। छोड़ो भी, शकुंतला को कुछ नहीं बताऊंगी, मगर तुम्हें उनकी और अपनी बातें जरूर सुनाऊंगी। जाओ दूल्हा को बुला ला। ठहर जरा, राज तो चले गए। हाँ? चले गए। चंदा नहीं
मुझे जब इनकार था न अब है। खाली इतना कहना है कि अगर कल फिर सास बहू में मेल हो गया तो मेरी लड़की सोतापे में जलकर मर जाएगी। मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ, मैं सूरज से चंदा को तलाक दिलवा दूंगी। मेरी जिंदगी में तो उस मनहूस का कदम इस घर में नहीं आ सकता। भला सूरज दूसरी शादी पर कैसे राजी होगा? जिस दिन शादी हुई और लीला दुल्हन बनकर आई सब भूल जाएगा। हाँ दीदी, कहती तो सच हो, ये मर्दुए हैं मर्दुए, जहां औरत देखी और कलाबाजी खा गए। क्यों बेटा आ गए? आओ, मैं अपने पास बुला रही हूँ। तुम तो मेरे पास दम भर भी नहीं बैठते, क्या मैं कांटे चुभती हूँ? कहिए। मैं पूछती हूँ, तुमने खाना पीना जो छोड़ रखा है तो क्या उस मनहूस के पीछे अपनी जान दोगे? बस अब मैं तुम्हारी दूसरी शादी कर रही हूँ। पहली शादी से कौन सा सुख नसीब हुआ है माता जी, जो दूसरी से होगा? बहन, तुम मंगनी का इंतजाम करो, मैं राजी करके छोड़ूंगी। फिर वही ठंडी सांस, फिर उसी कनमुई का ख्याल। आज अगर तुम्हारे पिता जिंदा होते तो भला तुम कुछ कह सकते थे? माता जी, बस सूरज तुम्हें मेरी कसम, कुछ हुआ न करना, मैं मंगनी का इंतजाम कर रही हूँ। माता जी, मेरा दम निकला जा रहा है, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए। बस दो ही बातें हैं, लीला से शादी करो या मेरा गला घोट दो। बोलो क्या चाहते हो, न साल न दोबर, इतनी जल्दी उनकी वसीयत का ख्याल जाता रहा, उनसे आखिरी वक्त जो कसम खाई थी बिल्कुल भूल गए। अभी तो तुम्हारे स्वर्ग वास में पिता की जली हुई रात का निशान भी न मिटा होगा। माता जी, मैं पागल हो रहा हूँ, जो जी में आएगी जी। भाई जाओ मेरे लाल के, तेरी आला बला लेकर मर जाऊं। आ बहन, आ बहन, सुबह मुबारक हो, लो सूरज ने हाँ कह दी, सूरज ने हाँ कह दी। क्या हुआ चंदा? बिजलियां चमकी, गरजते हुए बादल आए और बरसे बिना चले गए। हाँ, मैंने सुना कि चाचा जी ने बहनोई जी को निकाल दिया। हाँ बहन, इसे पिताजी की जिद कहूँ या अपनी फूटी हुई तकदीर? सच पूछो दीदी, इसमें थोड़ी सी तुम्हारी भी कमजोरी है। मेरी? हाँ, एक तो तुमको ससुराल से नहीं आना चाहिए था, और अगर मजबूरी से आ भी गई थी तो फिर चली गई होती। दीदी, जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता और रहने वाले को कोई निकाल नहीं सकता। सच कहती हो शकुंतला। जब तक तुम खुद वहां न जाओगी इन बातों की सफाई न होगी। कैसे जाऊं? अगर पिताजी को खबर हो गई तो वो आफत ही कर देंगे। तो पहले मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी माता जी से पूछे लेती हूँ और वहां से आओ। बहन, मेरा सब इंतजाम ठीक है, इतना दहेज दूंगी कि सारे शहर में नाम हो जाएगा। अच्छा बहन, नमस्ते। मिश्रानी, दरवाजा बंद कर लो। मिश्रानी, शायद सो गई। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। शायद लीला की माँ कुछ कहना भूल गई। आती हूँ। कौन तुम? माता जी,
घर चिल्लाती रहे, आगे दरवाजा न खोलूंगी। कौन पुकार रहा है माता जी? कोई नहीं बेटा, पड़ोस की कबली कुतिया है, यूं ही रोज रात को दरवाजे में टकरे मारा करती है। तुम जाओ सो रहो। कौन हो तुम? आंसुओं से नहीं, जबान से जवाब दो, कौन हो तुम? एक दुखियारी। हैं? दुखियारी? दुखियारियां रातों को सड़कें नहीं नापा करती, घर की चार दीवारी के अंदर बैठकर चुपके चुपके रोया करती हैं। सीधी तरह से बता क्या मामला है? हवलदार साहब, ये बेचारी डर गई। घबराओ नहीं माई, डरो नहीं। क्या वकील साहब के यहाँ जाना चाहती हो? जी हाँ। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कौन है, क्या है? देखिए ये आपके यहाँ आई है। कौन है? अरे कौन है तू? किसके पास आई? क्यों आई है? माता जी लो, ये तो बेटी भी बन गई, थोड़ी देर में बहू भी बन जाएगी। माता जी हवलदार साहब, ये पगली है, पगली रोज रात को यूं ही परेशान करती है, इसे पागल खाने पहुंचा दो। माता जी, माता जी। पगली, इसे कोतवाली ले चल के बंद कर दो। नहीं नहीं भाई, मैं जा रही हूँ। कहाँ? अपने घर। तुमसे मोहब्बत ना होती तो इतने झगड़ों के बाद वो बिन बुलाए हरगिज तुम्हारे घर ना आते। तुम लिखो तो। मुझे यारे चांदनी रातों में, मुझे यारे चांदनी रातों में। चले जाओ मेरी यहाँ से, अब तुमने तुम्हारे घर कभी नहीं जा सकती। मैं एक इंसान को भेड़िए के साथ नहीं भेज सकता। Thank you.
बड़ी आई, पहले हम हाथ पड़ेंगे। बेटे का कुंतला, ये खत यूं थोड़े ही दिया जाएगा। मुंह मांगी कीमत लूंगी, अच्छा दूंगी, लेकिन न जाने तू क्या कीमत मांगेगी। तो फिर तुम ही बता दो, कम से कम क्या कीमत दे सकती हो। कम से कम उनके खत की कीमत जान। हाय मैया, बहनोई जी ने खत का जवाब भेज दिया। हाँ, सुनो तो क्या लिखा है। मंगनी के न्योते की इस चिट्ठी से तुम्हें मालूम हो गया होगा कि मैं अपने सूरज की दूसरी शादी कर रही हूँ। खबरदार, मेरे घर पे आने की कोशिश नहीं करना, और अब सूरज को कभी कोई खत नहीं लिखना। सूरज की माँ। चंदा, कहीं दुश्मनों को कुछ हो गया तो हमें मरते वक्त कोई पानी देने वाला भी न रहेगा। रोने बेटी, जीवन पे रोने। नहीं, ये रोने का वक्त नहीं है। माताजी, भगवान उन्हें दूसरी शादी मुबारक करें, घर आबाद हो। माताजी, जब मेरी बारात आने वाली थी तो आपने दूल्हा के लिए सेहरा भेजा था, और अब मेरी बारात जाने वाली है तो आज भी दूल्हा के लिए सेहरा भेज दीजिए। आओ शकुंतला, हम तुम सेहरा गूंद थे। दो दिन बहार फूल तो दिखला के रह गए, दिखला के रह गए। जलती हुई हवाओं से कुमला के रह गए, कुमला के रह गए। दो दिन बहार फूल तो दिखला के रह गए, दिखला के रह गए। दो दिन बहार फूल तो दिखला के रह गए, दिखला के रह गए। रह गए, जाके रह गए। दो दिन बहार फूल तो दिखला के रह गए, दिखला के रह गए। Okay.
गए, आके रह गए। दो दिन बाहर फूल तो दिखला के रह गए, दिखला के रह गए। जलती हुई हवाओं से कुमला के रह गए, कुमला के रह गए। बहन, मंगनी की सब तैयारी हो गई, अब प्रभु जी का इंतजार है, वो अभी आते ही होंगे। चंदा तो अच्छी है लाडू। बिटिया ने आपको शादी की मुबारकबाद कहला भेजी है और ये चेहरा भेजा, अब बांध लीजिए। जिंदगी भर नहीं छोड़ते। ये सेहरा नहीं मेरे लिए खूंसा है, ये फूल नहीं पत्थर है, ये सेहरे की लड़िया नहीं सफेद सांप है जो मुझे दसने आए, ये शादी नहीं मेरी बर्बादी है, मेरी बर्बादी है। नहीं छोड़ते। सूरज, नीचे आओ। मैं नहीं आऊंगा। हमेशा अपनी माता को खुश रखना, उनका हुक्म मानना पिताजी। शरीर जब किसी का हाथ पकड़ते हैं तो जिंदगी भर नहीं छोड़ते। सूरज, जिंदगी भर नहीं छोड़ते। हमेशा अपनी माता को खुश रखना, उनका हुक्म मानना। शरीफ जिसका हाथ पकड़ते ही उसे जिंदगी भर नहीं छोड़ते। उनका हुक्म मानना। शरीफ इसका हाथ पकड़ते हैं उसे जिंदगी की बन नहीं छोड़ते। शरीफ, मुझे वहां पहुंचे थे पहुंचना चाहिए। हे भगवान,
इन्हें बिल्कुल आराम करने दीजिए। खून बहुत ज्यादा निकल गया है, इसी तरह बार बार बेहोशी के दौरे पड़ेंगे, घबराइएगा। अच्छा तो हो जाएगा मेरा लाल। सूरज बेटा, सूरज देखो बेटा, तुम्हारी माता जी पुकार रही है। क्या बोल रहे हो बेटा? तुम्हारी जंग, जरा जोर से कहो बेटा। चंदा, चंदा आओ, हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। इनकी रक्षा करना, मुझ पर दया करना। ये किसकी जीनस है? कौन जा रहा है? आपकी दवा सीढ़ियों पर से गिर पड़े, चंदा जा रही है। चंदा जा रही है? जी हाँ। यानी 100 के पौधे मारे जा रही है? मैं चंदा को भेज दो तो बेखैर कहलाने के लिए कभी नहीं भेज सकता। मैं उसे हरगिज़ नहीं जाने दूंगा। जो कहा हो चले जाओ, अगर मेरे बगैर तुझे कभी नया पति पति को जाऊंगा। तुम वहां जा रही हो जहां तुम्हारे खानदान की इज्जत का निजाम हो चुका है। अरे ठीक, दूसरी शादी कर रहा है। मैं उन्हें अपने हाथों से दूल्हा बनाऊंगी पिताजी। बेवकूफ, तू सतह कैसे बर्दाश्त करेगी? एक मुल्क में दो बादशाह और एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। सच्चे पिताजी, एक मुल्क में दो बादशाह नहीं रह सकते, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, मगर पिताजी एक घर में दो बहने मिलजुल कर जरूर रह सकती है। मुझे जाने दीजिए पिताजी, कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों की धूल खानदान के लिए कलम का टीका बन जाए। और सब यही कहे कि ठाकुर साहब की बेटी पति बताना थी। मूर्ख, एक दफा बेइज्जत करवा चुकी, अब की दफा क्या करवाएगी? बेशक पिताजी, मेरी वजह से आपकी बड़ी बेइज्जती हुई, लेकिन अब ना होगी। आज ये समझ कर भेज दीजिए कि आपकी चंदा मर चुकी, फिर वापस ना आएगी। वापस ना आएगी और खून के आंसू रो रोकर जान देगी। पिताजी, आपसे आंसू नहीं बहेंगे, आपसे मुझे उपी नहीं करूंगी। तू फिर क्या करेगी? अपना हक मांगूंगी और अपना फर्ज अदा करूंगी। अगर इंसान अपने सिरे में नाजुक दिल रखता है तो बर्दाश्त करने वाला लोहे का जिगर भी रखता है। मगर तू एक औरत। बेशक औरत हूँ पिताजी, दुनिया औरत को नाजुक, कमजोर, मजबूर और खामोश जानकर मिट्टी के खिलौने की तरह जिस घर जाए बिठा लेती है, लेकिन अगर औरत अपने दिल में ठान ले तो किसी से नहीं डरती। बुलाओ कहारों को, बुलाओ कहारों को, जल्दी। कहार तो चले गए। चले कहां गए? यही कहीं होंगे, देख। आओ चंदा, बैठो जल्दी। हे भगवान, दया करना, मेरा सुहागरा छीनना, राजा की चेहरा कहा। एक कहा तुम जीते रहो, आओ देख ले जाओ। बेहोश है।
रो नहीं, तुम आ गई तो मैं बिल्कुल अच्छा हो जाऊंगा। ये मेरी बदनसीबी है कि तुम्हारी कदर ना कर सका। नहीं, ये तो मेरी बदनसीबी थी कि आपकी सेवा ना कर सकी। आप तकलीफ न कीजिए, ये मेरा काम है। मेरे पास से ना जाना, माता जी निकाले तो भी ना जाना। नहीं स्वामी, चाहे मैं दुनिया से निकल जाऊं मगर तुम्हें इस घर में अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी, तुम्हारी कसम। बिछौना कितना मैला हो रहा है, बदल दो, और कपड़े भी तो मैले हैं। होने दो, दिल तो उजला है, वहां उजला और मैला, सोना या पीतल नहीं पूछा जाता, कर्म पूछे जाते हैं। ये कैसी बात है? इस कलमुई को किसने आने दिया? कौन रोकता? तेरे सालदार साहब की बेटी है। रहने भी दो, काहे के रिसालदार, इनके बाप दादा बादशाह को हुक्का पिलाते होंगे, उन्होंने खुश होकर रिसालदार का खिताब दे दिया होगा। हाँ दीदी, ऐसे बेहया का नाक कटवा दी और पूरा दहेज भी ना दे सके, तू है। अजी लोग तो उधार लेकर दहेज देते हैं। हाँ दीदी, मगर जिन्हें दुनिया की शर्म होती है। ऐसे बेशर्म की लड़की हरगिज मेरे घर में नहीं रह सकती। देखती जाओ, मैं उसे निकाल कर ही रहूंगी। चलिए हुजूर। अच्छे तो है सूरज, मैं पूछती हूँ क्या बात है, मुझे भी तो दूल्हा को देखने जाना चाहिए था। अच्छा कोई जो तुम नहीं गई, नहीं तो तुम्हारी डोली भी सड़क पर फेंकवा दी जाती। कितने खूंखार और लालची हैं ये लोग, अगर मुझे पहले से मालूम होता तो आज मेरी बेटी खून के आंसू न रोती। चाहे मैं दुनिया से निकल जाऊं मगर तुम्हें इस घर में अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी, तुम्हारी कसम। ऐसे बेहया तो नाक कटवा दी और पूरा भेज भी ना दे सके। ऐसे बेशर्म की लड़की हरगिज मेरे घर में नहीं रह सकती, मैं उसे निकाल कर ही रहूंगी। नहीं, चंदा ससुराल में ही रहेगी। चंदा की मां, बस आज ये मकान जो बुजुर्गों की निशानी है, पेंशन जो हमारे पेट भरने का सहारा है, सब बेच डालता हूं, सब बेच डालता हूं। और इतना दहेज दूंगा, इतना दहेज दूंगा कि सारी दुनिया भी कहना पड़ेगा कि गरीब अब तो इज्जत के लिए माल तो क्या जान पर भी खेल जाते। Thank you.
सूरज से होता है, चांदनी को चांद से होता है। लेकिन तू अब सूरज के पास कभी नहीं जा सकती। मुझे अब उनके पास जाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं अब यहां से कहां जाऊंगी? नरक में। एक ठोकर क्या लीजिए माता जी, दो चार ठोकरे और मार लीजिए कि आपकी कोई हसरत बाकी न रह जाए। मेरी हसरत तेरे यहाँ से जाने के बाद पूरी होगी। माताजी, लड़कियां ससुराल से जिंदा नहीं जाती। तो कल की मर्जी आज मर जा। भगवान ऐसा करे कि मैं उनके आला बला लेकर मर जाऊं और मेरी मिट्टी उनके हाथों स्वारत हो जाए। लोजी आ गई। जाओ सीधी तरह चली जाओ, नहीं तो उसी दिन की तरह घसीट कर निकालूंगी। जाती है या नहीं? नहीं जाऊंगी। आप मुझे भूखा पैसा मार सकती हैं, हर तरह की तकलीफें दे सकती हैं, लेकिन मेरा हक मुझसे नहीं छीन सकती। आप माता हैं, तो मैं पत्नी हूँ। बेटे की ममता आपका हक है और पति का प्रेम मेरा हक है। ये दुनिया है ना? हाँ। दुनिया? हाँ। ये मिट जाने वाली है, फिर भी इंसान की आंखों पर लोभ के पर्दे पड़े हुए हैं। वो दौलत, हुकूमत, शान और घमंड के नशे में अंधा हो रहा है। वो ये नहीं सोचता कि हम एक कागज की नाव में सवार हैं जो मौत के एक थपेड़े में कभी ना कभी डूब जाएगी। चंदा, तुम्हें वो मेरा गीत याद है?
किसकी रहेगी वो कागज के नाम कब तक चलेगी कब तक चलेगी वो कागज के नाम ये है दहेज मेरी चंदा का दहेज चंदा की बात अब चंदा को ससुराल से कोई नहीं निकाल सकता आओ आ आओ सब आइए आइए बाजे वालो खूब जोर जोर से बाजे बजाओ खूब जोर जोर से आओ आओ आइए आइए सब आओ वाह क्या दहेज है इतनी महंगी में इतना दहेज बेचारे ने अपनी हस्ती को मिटा दिया होगा मकान बेचकर दहेज दिया है वो देखो पलंग और ये वाह वाह कोई चीज बाकी नहीं देखो मैं कह देती हूँ जरा सा भी रहम न खाना चंदा चाहे कि ढीठ बनकर इस घर में रह जाए तो ये हरगिज नहीं हो सकता पकड़ कर घसीट कर जिस तरह भी हो सके डोली में बिठा दो हाँ दीदी ठीक है सीधी तरह डोरी में सवार हो जा नहीं तो चुटिया में बल देकर निकाल दूंगी रख दे कपड़े लीला की माँ सब मिलकर घेर लेना ये सूरज के कमरे में ना जाने पाए चमकती हुई बिजली रखती है उसे बांधी नहीं जाती घुमंता हुआ तूफान संजय उसे नहीं रुकता वरना भूखी शैनी की तरह हमला करूंगी और एक एक को चबा जाऊंगी चंदा जरा इस तू सो रहे हैं मैं तुझे निकाल कर रहूंगी हम दरवाजा तोड़ कर निकालेंगे ये जहाज मेरे घर में रह जाए ये नामुमकिन है तोड़ दो दरवाजा बच्चे का झूला भी है भगवान मुराद पूरी करे मैं नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी तमाम चीजें दहेज में दी जा चंदा
चंदा। बहुरानी क्या हुआ बहुरानी को? चंदा चंदा बेटी, मेरी गैरतदार बेटी, मेरे खानदान का नाम रोशन कर दिया। तूने अपने खून से ससुराल की जमीन रंगीन कर दी। मेरी बेटी, मेरी बेटी, देख, तेरे गरीब बाप ने दुनिया भर की चीजें दहेज में दी। देख, देख। आपने दहेज में सब चीजें दी हैं, लेकिन एक चीज तो देना भूल ही गए। वो क्या? कफन।